हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 डीसी सर्किट्स। इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है जो कि है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का मीनिंग, फिर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के जो दो टाइप है वीएस वीसीवीएस और वीसीसीवीएस, सर्किट डायग्राम के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही डिपेंडेंट करंट सोर्स जिसके दो टाइप है वीडब्ल्यूसीएस ट्रिपलसीएस, सर्किट डायग्राम के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आशा रखता हूं कि आप अपनी कॉपी और पेन लेके तैयार होंगे। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेस के बारे में। अब ये इंडिपेंडेंट सोर्सेस क्या होते हैं वो समझेंगे। तो हेडिंग लगा देते हैं यहां पे इंडिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स बोल लो, सोर्सेस बोल लो, क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्सेस के दो टाइप आएंगे, वो देखते हैं बाद में। पहले तो समझते हैं कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज यानी क्या। तो ऐसे सोर्स कि जिसकी वैल्यू, या फिर आप बोल लो कि ऐसे सोर्स जिसकी करंट और वोल्टेज की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहे। जैसे कि यहां पे मैं बना दू एक बैटरी, ये एक बैटरी है। अब इसका दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल सपोज 5 वोल्ट है, तो ये 5 वोल्ट कांस्टेंट रहेगा। अगर ये सोर्स को हम कोई भी सर्किट में कनेक्ट करें, फिर भी इसके वैल्यू में कोई चेंज आएगा नहीं। जैसे कि यहां पे सपोज यहां से 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो ये 2 एम्पियर का करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। अगर ये सोर्स को हम कोई दूसरे सर्किट में कनेक्ट करते हैं, तो भी इसके वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ऐसे सोर्स कि जिस कि करंट और वोल्टेज की वैल्यू में कोई फर्क ना पड़ता हो, अगर ये सोर्स को हम दूसरे कोई सर्किट एलिमेंट में कनेक्ट कर दे तो। अब ये अच्छे से समझने के लिए हम ले लेते हैं पहला जो है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो अब ये हम समझेंगे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स यानी क्या। अब सबसे पहले सिंबल की बात कर देते हैं। तो जब भी आप पढ़ो इंडिपेंडेंट, तो हमेशा आपको याद रखना है इंडिपेंडेंट को सर्कल के फॉर्म में ऐसे आप डिनोट करेंगे। ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। और कौन सा सोर्स है? वोल्टेज सोर्स है। तो वोल्टेज सोर्स यानी आपको पता है यहां पे दो टर्मिनल के बीच का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो यहां पे हम डिनोट कर देंगे प्लस माइनस, और इसको इस तरीके से बना देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? सिंबल किसका हो गया? इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहां पे सपोज हमने दिया है 5 वोल्ट, तो ये 5 वोल्ट का जो वैल्यू है ये कभी बदलने नहीं वाला अगर ये सोर्स को हम कोई दूसरे सर्किट एलिमेंट में कनेक्ट कर दे। जैसे कि अगर मैंने यहां पे एक सपोज रेजिस्टेंस लगाया, इसको यहां से ऐसे ज्वाइन कर दिया, और यहां पे भी सपोज एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये समझ लो 5 ओम का है, ये सपोज रैंडमली 10 ओम का है। यानी कि ये 5 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये टू दो टर्मिनल के बीच का, ये 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी बदलने वाला नहीं है। यहां पे आप 10 की जगह 20 ओम कर दो, 5 की जगह 25 ओम कर दो, फिर भी दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल कभी बदलने वाला नहीं है। तो ऐसा सोर्स कि जिसका वोल्टेज सर्किट के अंदर जो दूसरे एलिमेंट पे हो रहते हैं उस पर डिपेंड ना करे, तो उसको हम बोल देंगे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो यहां पर मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं, ऐसे लिख लेंगे हम कि सच सोर्स होस वोल्टेज वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन एनी एलिमेंट प्रेजेंट इन द सर्किट। यानी ऐसे सोर्स जिसकी वोल्टेज की वैल्यू डिपेंड नहीं करती किस पे सर्किट में रहे, दूसरे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है। तो ये एलिमेंट बदलने से
इसका पोटेंशियल अगर ना बदले, यानी इसका पोटेंशियल किसी भी एलिमेंट पे डिपेंड ना करता हो, तो उसको हम बोल देंगे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अच्छा, अब इसी तरीके से हम पढ़ने जा रहे हैं कैसा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। अच्छा, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स के लिए पहले तो हम सिंबल के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो इंडिपेंडेंट आया, यानी आप क्या ड्रॉ करोगे, आप एक सर्कल बना दोगे। अब इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है तो करंट में तो प्लस और माइनस नहीं आता है, तो करंट की तो डायरेक्शन होती है। तो यहां पे मैं ऐसे ही एक एरो बता देता हूं। ये एरो क्या बता रहा है कि करंट कहां फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो ये कौन सा सिंबल हो गया, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। अब जैसे कि यहां पे लिखा होगा 2 एम्पियर, यानी क्या कि ये सोर्स में से 2 एम्पियर हमेशा फ्लो होगा, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर ये सोर्स को आप सर्किट दो कोई दूसरे एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट कर दो सर्किट के अंदर, फिर भी जैसे कि वापस ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये सपोज एक रेजिस्टर है, यहां से ये कनेक्ट किया, सपोज 5 ओम ले लिया, यहां पे सपोज 25 ओम ले लिया, यहां से करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। तो अगर ये 25 ओम की जगह पे अगर आप 10 ओम लोगे, तो भी ये सोर्स जो है जिसको बोलते हैं करंट सोर्स, उसमें से कितना एम्पियर करंट फ्लो करेगा, 2 ओम से करंट फ्लो करेगा। यानी कि ऐसा सोर्स जिसकी करंट की वैल्यू सर्किट के अंदर एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करती हो, तो उसको हम बोल देंगे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। तो यहां पे लिख लेते हैं, इसका डेफिनेशन इसके जैसा ही होगा, सच सोर्सेस होस करंट वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन एनी एलिमेंट प्रेजेंट इन सर्किट। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट वोल्टेज, इंडिपेंडेंट करंट, यानी इसका वैल्यू जो है कांस्टेंट रहेगा, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो बदलेगा नहीं। अब इसी के अंदर ये जो इंडिपेंडेंट है बच्चों, इसको हम बोलते हैं आइडियल भी बोलते हैं। तो यहां पे हम लिख लेते हैं आइडियल कौन सा वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स। इंडिपेंडेंट को हम आइडियल भी बोल सकते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स भी बोल सकते हैं। अब आइडियल वोल्टेज सोर्स का क्या सिंबल, ये इंडिपेंडेंट का ही टाइप है, तो ऐसे ये वोल्टेज सोर्स बना दिया ऐसे, और ये बन गया आइडियल वोल्टेज सोर्स। यानी कि आइडियल वोल्टेज सोर्स में अभी फिलहाल कोई रेजिस्टेंस माना गया नहीं है, और इसका पोटेंशियल सपोज 5 वोल्ट है तो वो 5 वोल्ट ही रहेगा। और इसका अगर हम ग्राफ बनाएं वोल्टेज वर्सेस करंट का, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस है नहीं, वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा, तो ऐसे कांस्टेंट आएगा। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल का ये ग्राफ बन गया। इसी तरीके से ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, इसको हम आइडियल करंट सोर्स भी बोल सकते हैं। और आइडियल के लिए हमने क्या बोला, इंडिपेंडेंट का टाइप, तो ऐसे एक सर्कल बना दो, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है तो करंट सोर्स में प्लस माइनस नहीं आता, तो ऐसे एरो से इसकी करंट की डायरेक्शन इंडिकेट कर दो, और ऐसे ये दो टर्मिनल बता दो, इसमें भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यानी कि अगर इसका हम करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बनाए, तो ये इसका लोड करंट जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि है डिपेंडेंट सोर्सेस। तो इंडिपेंडेंट सोर्स में क्या याद रखोगे कि ऐसा सोर्स जिसकी करंट और वोल्टेज की वैल्यू जो है वो सर्किट में रहे कोई भी एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करती, यानी सर्किट में कोई भी एलिमेंट ले लो लेकिन वोल्टेज की वैल्यू नहीं बदलेगी, करंट की वैल्यू नहीं बदलेगी, तो उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम दूसरा नंबर का जो है वो देख लेते हैं, वो है डिपेंडेंट सोर्सेस। डिपेंडेंट सोर्सेस यानी क्या, उसके दो टाइप है, वोल्टेज और करंट। डिपेंडेंट सोर्सेस यानी क्या, उसका ऑपोजिट। जैसे कि यहां पे मैंने बोल दिया ये 5 वोल्ट है प्लस माइनस, तो अब ये 5 वोल्ट कांस्टेंट रहने वाला नहीं है अगर इसको हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो, यानी ये 5 वोल्ट का 4 वोल्ट भी हो सकता, 6 वोल्ट भी हो सकता, वो डिपेंड करता किस चीज पे, सर्किट के अंदर जो एलिमेंट है उस पे वो डिपेंड कर रहा है।
अच्छे से और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि इसमें डिपेंडेंट सोर्स में पहले तो डेफिनेशन लिख ले डिपेंडेंट सोर्स का, वो क्या है, सच सोर्सेस हूज वोल्टेज एंड करंट वैल्यू डिपेंड्स ऑन एनी एलिमेंट प्रेजेंट इन सर्किट, यानी ऐसे सोर्सेस के जिसके वोल्टेज और करंट की वैल्यू, या कि सपोज यहां पे लिख लो 2 एम्पियर, अब ये 2 एम्पियर नहीं रहेगा हमेशा के लिए, क्यों, अगर इस ये सोर्स को हमने कोई सर्किट के साथ यहां पे कोई सर्किट बना के रखी है, यहां पे हमने कनेक्ट कर दिया, तो अगर यहां पे कुछ चेंजेस आएंगे तो ये करंट भी चेंज होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा, यानी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करते, सर्किट एलिमेंट पे डिपेंड करते, तो इसलिए इनको बोलते हैं डिपेंडेंट सोर्सेस। ठीक है, अब हम और अच्छे से समझेंगे, तो इसमें हम ले लेते हैं कौन सा पार्ट, तो ये मैं रब कर देता हूं क्योंकि हमने डिपेंडेंट सोर्सेस चालू कर दिया है। अब डिपेंडेंट सोर्सेस में हम देखेंगे दो भाग, तो पहला हम ले लेते हैं कि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस। अब डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस, अब एक ही बात ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट आता है तो सर्कल बनाते हैं, डिपेंडेंट आपने देखा तो आप क्या बनाओगे, ऐसा कुछ डायमंड शेप बना दोगे। तो ये डायमंड शेप क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डायमंड शेप डिपेंड करता है डिपेंडेंट सोर्स रिप्रेजेंट करता। अब कौन सा सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आता तो प्लस माइनस से रिप्रेजेंट कर दो और इसको ऐसे कुछ बना दो, तो ये हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब क्वेश्चन आएगा कि ये जो वोल्टेज सोर्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो मैं ऐसा बोलूंगा ये जो वोल्टेज सोर्स है वो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है जो सर्किट के अंदर है। कैसे, ये समझते हैं, तो यहां पे मैं बना दूं ऐसे करके एक रेजिस्टेंस सपोज 5 ओम का, इसको यहां से मैंने कनेक्ट कर दिया, और यहां पे बच्चों हम बना देते हैं कोई इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस, यानी कि इसका सपोज पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है तो ये 5 वोल्ट कभी भी नहीं बदलेगा, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये हो गया डिपेंडेंट वोल्टेज, सॉरी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब बाद में हम यहां पे एक सपोज रेजिस्टेंस बना देते हैं 10 ओम का, और मैं यहां पे ऐसे बना देता हूं ये दो टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल है वो सपोज Vx है, ये दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल Vx है, यानी कि अगर ये दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल चेंज हो रहा हो तो वो क्या करेगा, वो ये वोल्टेज सोर्स को भी चेंज करेगा। यानी सपोज यहां पे अगर मैंने 6 वोल्ट रखा है इनिशियली, तो अगर ये दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल चेंज हुआ तो यहां पे भी इसका पोटेंशियल चेंज होगा, सपोज 6 की जगह अब 3 वोल्ट हो गया। यानी ये जो वोल्टेज सोर्स है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस पे, किसके, सर्किट के एलिमेंट पे, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, वोल्टेज सोर्स। किससे कंट्रोल होता है ये, इसका वोल्टेज, वोल्टेज से, तो इसको हम बोल देते हैं सिंपल लैंग्वेज में, इसको हम बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, यानी VCVS, तो यहां पे लिख लेंगे VCVS, तो VCVS का मतलब शायद आपको समझ में आ गया होगा। पहले तो ये वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स बना दो, ये वोल्टेज सोर्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, ये वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है, तो ये वोल्टेज यहां लिखेंगे, इसको बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, शायद कहानी आपको समझ में आ रही है। अच्छा, अब डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में हमने एक तो देख लिया, अब दूसरा देखते हैं, जैसे कि यही बना देते हैं डिपेंडेंट, यानी क्या, ये डायमंड शेप। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स यानी प्लस माइनस बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये वोल्टेज सोर्स है ये किस पे डिपेंड कर रहा, ये डिपेंड कर रहा अब करंट पे जो सर्किट के अंदर है, तो ये यहां पे Ix लिखेंगे, वापस से डायग्राम बनाएंगे हम, ये सर्किट बना दिया,
यहां से ये सपोज ये 5 ओम रख दो, यहां से एक रेजिस्टेंस बना दिया सपोज ये 10 ओम रख दो, अब यहां से करंट आया सपोज आई आया, अब यहां जंक्शन पे क्या हो गया, यहां पे करंट कुछ आई एक्स चला गया, यहां पे करंट आई वाई आ गया, और इसको सर्किट को हम सप्लाई दे रहे हैं किससे, डिपेंडेंट वोल्टेज, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस, यानी इसका सपोज वैल्यू 5 वोल्ट है तो इसके सर्किट के अंदर कुछ भी चेंजेस होगा फिर भी ये दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, 5 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, यहां पे देखते हैं, यानी कि अगर ये आई एक्स का वैल्यू चेंज हुआ, अगर 5 ओम की जगह 10 ओम ले लो तो आई एक्स का वैल्यू कम हो जाएगा, तो ये आई एक्स का वैल्यू किसको कंट्रोल करेगा, ये वोल्टेज सोर्स को कंट्रोल करेगा, यानी कि इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे करंट कंट्रोल कौन सा सोर्स, वोल्टेज सोर्स, यानी इसको लिखेंगे CCVS। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, दूसरे नंबर पे आता है कौन सा, डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो हमने बात किसकी कर ली, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की, जिसमें आता क्या, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, अब हम बात करते हैं डिपेंडेंट करंट सोर्स की। अब डिपेंडेंट यानी क्या, मैंने बता दिया आपको ये डायमंड शेप, ये क्या बन गया आपका डिपेंडेंट सोर्स, अब कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है, करंट सोर्स है, अब करंट के लिए प्लस माइनस तो हम नहीं कर सकते, तो करंट के लिए हम ऐसे एरो बता देते हैं कि करंट ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब ये करंट सोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट करंट सोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं बोलूंगा ये करंट सोर्स सपोज वोल्टेज वी एक्स पर डिपेंड कर रहा है जो सर्किट एलिमेंट के अंदर कोई लोकेशन में है। ठीक है, तो इसके लिए वापस एक डायग्राम हम बना देते हैं, यहां पे सपोज रेजिस्टेंस बना दो, इसको यहां से कनेक्ट कर दो, ये सपोज 5 ओम ले लो, यहां पे सपोज 10 ओम ले लो, और ये पूरे सर्किट को हम पावर दे रहे हैं किससे, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स सपोज 5 एम्पियर, तो ये 5 एम्पियर का 5 एम्पियर ही रहेगा, सर्किट में कुछ भी चेंज करो ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब ये जो करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स किस पे डिपेंड करता, पोटेंशियल वी एक्स पे डिपेंड करता, तो मैं यहां पे ऐसे करके बना देता हूं वी एक्स, यानी कि ये दो टर्मिनल के बीच का अगर पोटेंशियल चेंज होता है तो ये पोटेंशियल किसको कंट्रोल करेगा, वी एक्स करंट सोर्स को कंट्रोल करेगा, यानी ये कंट्रोल करंट सोर्स किस पे डिपेंड करता, वोल्टेज पे डिपेंड करता, यानी इसको हम बोल देंगे वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, और इसको शॉर्ट में लिखेंगे VCCS, तो यहां पे लिख लो VCCS, ये शॉर्ट में हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब आखिरी आता है इसमें कौन सा, कि डिपेंडेंट करंट सोर्स की बात कर रहे हैं, तो वापस करंट सोर्स बना देते हैं, ये हमारा एरो करंट सोर्स ऐसे हो गया। अच्छा, अब ये करंट सोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वोल्टेज पे तो डिपेंड कर लिया, अब बाकी बचा करंट, तो ये करंट सोर्स है वो करंट पे डिपेंड कर रहा है, कैसे, वापस यही डायग्राम हम समझेंगे, यहां पे इसको हमने क्या दे दिया, प्लस माइनस 5 वोल्ट, कौन सा, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो कभी भी नहीं बदलेगा सर्किट एलिमेंट में, आप कुछ भी चेंज करो। ठीक है, अब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं दूसरे एक रेजिस्टेंस से, सपोज कर लो 5 ओम से। अच्छा, अब सपोज यहां से करंट गया आई, ये पॉइंट पे करंट डिवाइड हो गया जंक्शन पे आई एक्स, और ये पॉइंट पे आई वाई, यानी कि अगर ये 10 ओम रेजिस्टेंस है उसकी जगह हम कोई दूसरा रेजिस्टेंस रखेंगे तो यहां से करंट का वैल्यू जो फ्लो हो रहा है आई एक्स वो चेंज हो जाएगा, और वो अगर चेंज हो गया तो वो किसको कंट्रोल करेगा, वो इस सोर्स को, करंट सोर्स को कंट्रोल करेगा, यानी ये करंट सोर्स जो है जो डिपेंडेंट है वो किस पे डिपेंड करता, आई एक्स यानी करंट पे, तो हम इसको बोल लेंगे कि करंट कंट्रोल करंट सोर्स, तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, CCCS, यहां पे लिखेंगे CCCS। तो बच्चों ये सारी कहानी थी डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स की, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो यहीं पे करते हैं ये वीडियो को समाप्त।
सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।